हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या आपका भी एमआई रेडमी का फ़ोन में लॉक लग गया और आप अपने एमआई रेडमी को फ़ोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन पासवर्ड पिन पैटर्न को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो? तो फ्रेंड, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर आप रेडमी का, एमआई का या पोको का फ़ोन यूज करते हैं और आपसे फ़ोन लॉक हो गया है, गलती से पासवर्ड भूल गए हो, पिन लॉक होगा, पिन लॉक भूल जाते हैं जिस कारण से हमारा फ़ोन अनलॉक नहीं होता है, तो फ्रेंड इसे किस तरह से अनलॉक किया जाता है, कैसे अनलॉक किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और ना आपके पास कुछ भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपका डाटा डिलीट होगा और ना ही पैसा वेस्ट होगा। आप घर बैठे ही अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो बिल्कुल फ्री। कैसे? आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, इसके बाद सिम कार्ड को निकाल लेना है अपने फ़ोन में से। सिम कार्ड को निकालने के बाद फिर हम अपने लॉक स्क्रीन पर आएंगे, पासवर्ड पिन पैटर्न जो भी लॉक होगा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इमरजेंसी कॉल को ओपन करेंगे। इमरजेंसी कॉल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर वर्क है, आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। वाईफाई आपको कनेक्ट होना चाहिए आपके फ़ोन में, ठीक है ना। देखिए, मेरे फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको एक सर्विस सेंटर का कोड दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये कोड मैं अपने डायल कर रहा हूँ, जो आपको अपने फ़ोन में ही कॉपी करना होगा और अंक को एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कोड को डायल करने के बाद एक बार अंक मिला लीजिएगा कि कोई आपका अंक छूट तो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से मिला लेने के बाद इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है कहाँ, तो सर्विस सेंटर पे। तो सर्विस सेंटर पे कैसे करेंगे, ये कॉल वॉल ऑप्शन देख रहे हो, कॉल पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया, आपको यहाँ पे ओके करना है और इस कोड को इरेज कर लेना होगा। इतना काम करने के बाद फिर मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज करेंगे, *899#। ये कोड को डायल करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इंजीनियर मोड के फाइल पे और यहाँ पे आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे मैनुअल टेस्ट को यूज करना है, सेकेंड नंबर पे आना है, सबसे नीचे आके OTG टेस्ट को ओपन कर देना है और यहाँ पे आपका OTG टेस्ट आपको बताएगा कि आपका ये लॉक FRP अनलॉक होगा या हार्ड रीसेट होगा या सिंपल ट्रिक से ओपन होगा। अगर FRP या हार्ड रीसेट होगा तो यहाँ पे पास का ऑप्शन आएगा, अगर सिंपल ट्रिक से आपका फ़ोन अनलॉक होगा तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, फाइल का ऑप्शन आएगा तो ठीक ही है, तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ गया, ठीक है भाई, इसे बैक कर लेंगे। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, जायस्कोप को ओपन करके डाटा डिस्प्ले को ओपन कर देंगे और ये आपका पूरा का पूरा डाटा है जो बैकअप कर देगा, जितना डाटा है सारा रिकवर कर देगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा आपको। तो ये डाटा आपका 39 तक कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो 39 तक हमें यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा और वर्क रहेगा, इसे 39 कंप्लीट हो गया, बैक कर लिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ग्राफ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ग्राफ का ये ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे जाएगा तो आपको यहाँ पे होम बटन क्लिक कर देना होगा, देख सकते हो ध्यान से चल गया, होम बटन क्लिक कीजिए, आपका रेडमी, एमआई, पोको, शाओमी का फ़ोन क्यों ना हो वो घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।